हेलो बच्चों, और क्या हालचाल। वेलकम टू ग्लोरियस क्लासेस। और मैं आपका अपना संजीव पाठक। आज हम 16th लेक्चर लेकर आए हैं क्लास 10th बायोलॉजी का। बेसिकली अपन ने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, 15th लेक्चर में हमने इवेंट्स का ओवरव्यू लिया था, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन लिया था, उसके थ्रू डिस्कस किया लिया था, मास्टर ने डिस्कस कर लिया था कि क्या है प्री फर्टिलाइजेशन स्टेट, क्या है फर्टिलाइजेशन इवेंट और क्या है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये तीनों चीजें अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। तो बेसिकली ये जो अपन का लेक्चर है वो किस पे बेस्ड है, इस लेक्चर में हम केवल केवल किसको डिस्कस करने हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को। मतलब वो इवेंट जो फर्टिलाइजेशन से पहले होते हैं, उन इवेंट्स को हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट लेक्चर जो हमारा होगा, अब तो बेसिकली चैप्टर लास्ट चल रहा है, तो लास्ट लेक्चर जो हमारा होगा 17th लेक्चर, उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन को डिस्कस करेंगे और चैप्टर को क्लोज कर देंगे। बात समझ में आई यार? तो आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक फ्रेश एंड न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो फटाफट सब लोग हेडिंग लगाओ। क्या हेडिंग लगाओगे? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो चलिए हेडिंग डालिए प्री फर्टिलाइजेशन, हेडिंग डालिए प्री फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, ये फर्स्ट था आपका इवेंट्स में, सबसे पहला इवेंट था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं अपन इसका, बहुत इजी है। द इवेंट विच अकर बिफोर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज अ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो डेफिनेशन इसका लिखो कि द इवेंट्स विच अकर विच अकर्स बिफोर द इवेंट्स विच अकर बिफोर फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन is called pre-fertilization event। मास्टर में pre-fertilization event क्या है? The events which occur, जो होते हैं before fertilization, fertilization से पहले होने वाले events को अपन क्या कहेंगे, pre-fertilization event कहेंगे। क्या कहेंगे? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। यहां तक तो कोई डाउट? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या है? वो इवेंट जो फर्टिलाइजेशन से पहले हो रहे होंगे, उन इवेंट्स को आप क्या कहोगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहोगे। क्या कहोगे? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। दूसरी चीज अगर हम डिस्कस करें कि जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, ये बेसिकली होता कैसे, बात समझ में आ रही है? जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? तो बेसिकली ये दो प्रोसेस को इंक्लूड करता है। तो लिख लीजिएगा कि इट इंक्लूड टू प्रोसेस, दो प्रोसेस को इंक्लूड करता है। कल बताया था कौन कौन सी प्रोसेस है। फर्स्ट प्रोसेस है दैट इज गैमेटोजेनेसिस। पहले प्रोसेस थी दैट इज गैमेटोजेनेसिस, और दूसरी प्रोसेस है दैट इज गैमेट ट्रांसफर। तो दो प्रोसेस है, पहली है गैमेटोजेनेसिस, दूसरी है गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेट के बनने की प्रोसेस को आप क्या कहोगे, गैमेटोजेनेसिस। और ट्रांसफर ऑफ गैमेट फ्रॉम मेल टू फीमेल, मेल से फीमेल तक गैमेट के ट्रांसफर होने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं,
गैमेट ट्रांसफर कहते हैं, और गैमेट बनने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ये दो प्रोसेस होती हैं जो कौन इंक्लूड करता है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट इंक्लूड करता है। कौन इंक्लूड करता है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट इंक्लूड करता है। ठीक है, तो दो इवेंट्स को इंक्लूड कर रहा है, कौन कौन सा, पहला है गैमेटोजेनेसिस और दूसरा क्या है, गैमेट ट्रांसफर। तो दो इवेंट्स को या दो प्रोसेस को ये इंक्लूड कर रहा है। बात समझ में आई। दूसरी चीज यहां पर जो बेसिकली हम डिस्कस करते हैं, यहां पर क्या है, गैमेटोजेनेसिस को अगर हम डिस्कस करें तो गैमेटोजेनेसिस क्या होगा, हमें पहला वाला स्टेप पढ़ना है, गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस बेसिकली क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस अगर हम देखें तो अभी बता दिया कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड एज अ गैमेटोजेनेसिस। मतलब गैमेटोजेनेसिस में हमेशा किसका फॉर्मेशन होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, गैमेट का फॉर्मेशन। तो गैमेट क्या है, यहीं पे लिख लीजिए, जो गैमेट होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, दे आर यूनिवर्सली हैप्लॉयड। ये क्या होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं, मतलब इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, हाफ होता है। ठीक है, आप क्या कह सकते हो, और करके लिख लीजिए, ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, केवल एक ही सेट क्रोमोसोम का प्रेजेंट होता है, ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। ये क्या होते हैं, हैप्लॉयड होते हैं। दूसरी चीज, हैप्लॉयड तो होते ही है मेल गैमेट्स, या इसके साथ साथ, सॉरी मेल गैमेट नहीं, सारे गैमेट्स हैप्लॉयड होते हैं। दूसरी चीज, इन गैमेट्स को हम क्या कहते हैं, सेक्स सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेक्स सेल कहते हैं। और ये बेसिकली दो हो सकते हैं, अगर मेल से प्रोड्यूस हो रहा है तो मेल गैमेट होगा, और अगर फीमेल से प्रोड्यूस हो रहा है तो फीमेल गैमेट होगा। बात समझ में आई। तो ये किसके केस में हो गया, गैमेट के केस में हो गया। अब दूसरी चीज, जो गैमेट का स्ट्रक्चर, दूसरी चीज क्या है यहां पे, गैमेट का जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है, मेल फीमेल गैमेट का स्ट्रक्चर सिमिलर है या डिससिमिलर है, इसके बेसिस पे गैमेट्स को दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया। कितनी कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है, दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। तो नेक्स्ट आप क्या लिख सकते हो, कि ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी, द गैमेट्स आर टू टाइप। सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी के बेस पे अगर आप देखोगे तो गैमेट्स बेसिकली कितने टाइप्स के हैं, दो टाइप के गैमेट्स होते हैं। कितने टाइप के गैमेट्स होते हैं, दो टाइप के गैमेट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला जो होता है उसे क्या कहते हैं, होमोगैमेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, होमोगैमेटिक कहते हैं। और दूसरा जो है उसे क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड हेट्रोगैमेटिक, या इसे क्या कहते हैं, होमोगैमेटिक आल्सो नोन एज आइसोगैमस, और हेट्रोगैमेटिक को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एन आइसोगैमस। बात समझ में आई। तो गैमेट्स को क्या किया गया है, दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। पहली कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी है, दैट इज आइसोगैमस। फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज आइसोगैमस या होमोगैमेटिक, और दूसरी कैटेगरी है दैट इज हेट्रोगैमेटिक या एनआइसोगैमस। तो ये दो कैटेगरी एग्जिस्ट कर रही है, किसकी, गैमेट की। और किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है, ये याद रखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड अब्सेंस, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी। जो गैमेट है वो सिमिलर है या डिससिमिलर है, इसके बेसिस पे गैमेट को दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया, होमोगैमेटिक और हेट्रोगैमेटिक। क्लियर हुआ पूरा कॉन्सेप्ट, कुछ खास नहीं कहा हमने। हमने कहा कि वो इवेंट जो फर्टिलाइजेशन से पहले होंगे उन्हें क्या कहेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहेंगे।
प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में दो इवेंट होता है, एक गैमेटोजेनेसिस होती है और एक गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस में गैमेट का फॉर्मेशन होता है। गैमेट क्या है? ये एक हैप्लॉयड होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं, केवल वन सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ ये क्या है, एक सेक्स सेल है, दो टाइप का हो सकता है। अगर मेल से प्रोसीड हो रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है तो मेल गैमेट होगा, अगर फीमेल से प्रोड्यूस हो रहा है तो वो कौन सा गैमेट होगा, फीमेल गैमेट होगा। दूसरी चीज हमने कहा कि गैमेट के ट्रांसफर होने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैमेट ट्रांसफर कहते हैं। दूसरी चीज, अब गैमेट जो आपका बना, इस गैमेट के स्ट्रक्चर के बेसिस पे इनके स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी है या डिससिमिलैरिटी है, मेल फीमेल गैमेट के स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी पाई जा रही है या डिससिमिलैरिटी पाई जा रही है, इसके बेसिस पे गैमेट को दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर दिया गया, एक होमोगैमेटिक या आइसोगैमस और दूसरा क्या है, हेटरोगैमेटिक या एनाइसोगैमस। बात समझ में आई? इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर अभी हम डिस्कस करते हैं कि होमोगैमेटिक क्या है, हेटरोगैमेटिक क्या है। बात समझ में आई? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। आगे प्रोसीड करते हैं, क्लासिफाई करा दिया था कि गैमेट्स को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करेंगे, कौन कौन सा होता है। फर्स्ट होता है दैट इज होमोगैमेटिक, फर्स्ट क्या है दैट इज होमोगैमेटिक, और सेकंड क्या था दैट इज हेटरोगैमेटिक। तो गैमेट्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होमोगैमेटिक होता है, दूसरा क्या होता है, हेटरोगैमेटिक। दूसरी चीज अगर हम डिफाइन करें, होमोगैमेटिक कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिख सकते हो, डेफिनेशन आप लिख लो, इफ द डेफिनेशन क्या है, इफ द मेल एंड फीमेल बोथ गैमेट आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, देन इट इज कॉल्ड होमोगैमेटिक। क्या कहा, इफ द मेल एंड फीमेल बोथ गैमेट आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, अगर मेल और फीमेल दोनों गैमेट क्या है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, होमोगैमेटिक। नाम से क्लियर हो रहा होगा, होमो मतलब क्या होता है, होमो मतलब होता है सेम, और गैमेटिक मतलब क्या होता है, गैमेट मतलब यहां पे जो गैमेट होंगे ये मॉर्फोलॉजिकली क्या होंगे, सिमिलर होंगे, मॉर्फोलॉजिकली क्या होंगे, सिमिलर होंगे, सेम होंगे। बात समझ में आई? इसीलिए दोनों मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, आइसोगैमस कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोगैमस कहते हैं, क्या कहते हैं, आइसोगैमस। यहां पे भी अगर टर्म का नेम लिखोगे तो आइसो मींस क्या होता है, सेम होता है, और गैमस मींस क्या होता है, गैमेट, मतलब गैमेट क्या है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, सेम है। बात समझ में आई? अब आपका दिमाग काम कर रहा होगा कि इसी के रिस्पेक्ट में अगर हम किसकी बात करें, अपन हेट्रोगैमेट की बात करें, किसकी बात करें, हेट्रोगैमेट की बात करें, गैमेटिक की, तो हेट्रो वर्ड का मतलब क्या होगा, हेट्रो वर्ड का मतलब होगा डिफरेंट, क्या होगा, डिफरेंट, और गैमेटिक वर्ड का मतलब क्या होगा, गैमेट, क्या होगा, गैमेट, मतलब जो गैमेट है ये क्या होंगे, जो गैमेट है ये मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली दोनों गैमेट्स क्या होते हैं, सिमिलर नहीं होते हैं, डिससिमिलर होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, हेट्रोगैमेट कहते हैं या हेट्रोगैमेटिक कहते हैं। बात समझ में आई? डेफिनेशन क्या लिखोगे इसका, इसमें डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो, इफ द डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप, इफ द मेल एंड फीमेल, इफ द मेल एंड फीमेल बोथ गैमेट आर मॉर्फोलॉजिकली
मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर, मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर। हमने क्या कहा यहां पे, इफ द मेल एंड फीमेल, अगर मेल और फीमेल दोनों गैमेट क्या हो जाए, मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर हो। क्या है मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर है, सिमिलर नहीं है, देन इट इज कॉल्ड एन आइसोगैमस। तो इसे क्या कहते हैं, एन आइसोगैमस कहते हैं। नेम से क्लियर हो चुका होगा, एन आइसो कहने का मतलब क्या कि ये क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और गैमेट मतलब क्या होगा, गैमेट्स मतलब जो गैमेट है ये मॉर्फोलॉजिकली क्या होते हैं, डिसिमिलर होते हैं, सिमिलर नहीं होते। तो उसे क्या कहते हैं, हेट्रोगैमेटिक। जो सिमिलर होते हैं उसे क्या कहते हैं, होमोगैमेटिक कहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज एग्जाम्पल आ जाएगी, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल लिखो यहां पे। सबसे पहला एग्जाम्पल होमोगैमेटिक के केस में अगर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हो आप, देखो होमोगैमेटिक के केस में एग्जाम्पल क्या होता है, फंगी होते हैं। तो यहां पे लिख लो फंगी, फंगी कौन सा फंगी, राइजोपस, राइजोपस। इनके गैमेट्स क्या होते हैं, मेल फीमेल दोनों गैमेट्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, होमोगैमेटिक होते हैं। दूसरी चीज एल्गी में क्या है, क्लैमाइडोमोनास, क्लैमाइडोमोनास, क्लैडोफोरा, क्लैडोफोरा, क्लैमाइडोमोनास, ये दोनों क्या है, एल्गीज हैं। क्या है, एल्गी हैं। और इनके भी गैमेट्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, मतलब इनके भी गैमेट्स क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं। उनका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, सिमिलर होगा, डिफरेंट नहीं होगा। तो क्या होंगे, होमोगैमेटिक होंगे। जैसे अगर आप क्लैडोफोरा का फिगर बना के देखो, डायग्राम से समझो, तो देखो क्लैडोफोरा जो एल्गी है उसका कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ये उसका मेल गैमेट है और ये उसका क्या है, फीमेल गैमेट है। तो अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो दोनों गैमेट एक दूसरे के क्या है, सिमिलर है। इनमें मॉर्फोलॉजिकली कोई डिसिमिलैरिटी नहीं पाई जा रही, बाहर से देखने पे कोई डिसिमिलैरिटी नहीं है, मतलब ये क्या है, होमोगैमेटिक है। बात समझ में आई। दूसरा होता है हेट्रोगैमेटिक जो बता रहा हूं। इस हेट्रोगैमेटिक के केस में दो टाइप के गैमेट्स आ जाते हैं। इसमें गैमेट तो यहां भी दो था, मेल फीमेल, लेकिन यहां पे बताया मेल फीमेल गैमेट बोथ आर मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर। ये दोनों क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं। कैसे होते हैं चीज को समझो, ये नोट डाउन कर लिया, इसको नोट डाउन कर लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो सब इसका, ले लिया, चलो यहां पे इसको मिटाते फिर आगे देखते हैं। यहां पे हमने कहा दो गैमेट्स हैं, कितने गैमेट्स हैं, दो गैमेट वर्क कर रहे हैं, एक मेल गैमेट है, यहां पे क्या है, दो गैमेट प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक मेल गैमेट प्रोड्यूस हो रहा है और दूसरा क्या प्रोड्यूस हो रहा है, फीमेल गैमेट। तो दो गैमेट प्रोड्यूस हो रहे हैं, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, ये बात समझ में आई, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब जो मेल गैमेट होता है बेसिकली, ये मेल गैमेट जो होगा ये क्या है, अगर हम एनिमल के केस में देखें, किसी केस में देखें, एनिमल्स के केस में देखें, तो ये मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म होता है। ये मेल गैमेट क्या है, स्पर्म है, और फीमेल में फीमेल गैमेट क्या है, दैट इज ओवम। एनिमल के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओवम हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसी को प्लांट के केस में देखा जाए, किसके केस में देखा जाए, प्लांट के केस में देखा जाए, तो वहां पर क्या होता है, प्लांट के केस में इसमें क्या होगा, एंथेरिडिया हो जाएगा। यहां पे क्या होता है, एंथेरिडिया हो जाता है, एंथेरिडिया, और यहां पर क्या हो जाएगा, एग सेल हो जाएगा, एग सेल। एंथेरिडिया या ऑक्सीगोनिया होता है, एंथेरिडिया ही बेसिकली होगा, एंथेरिडिया कहते हैं, या कह सकते हो आप एंथर ज्वाइड के भी कह सकते हो, ठीक है, एंथर ज्वाइड, ठीक, ठीक है, इसे आप क्या कह सकते हो, एंथर ज्वाइड कह सकते हो। और ये क्या होता है, एक्सेल होता है। ये दोनों किसके केस में लिखा गया है, प्लांट के केस में लिखा गया है। बात समझ में आई। तो यहां पर अगर आप देखो तो स्पर्म कैसा है, स्पर्म होता है नॉब थ्रेड लाइक, कैसा होता है, नॉब थ्रेड लाइक, और ओवम क्या होता है, स्फेरिकल होता है। तो दोनों का स्ट्रक्चर क्या है,
डिफरेंट है नहीं डिफरेंट है, डिसिमिलर है नहीं डिसिमिलर है, तो ये क्या हो जाएंगे, हेट्रोगैमेटिक हो जाएंगे। इसका पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसका एग्जांपल देखते हैं। देखिए इसका एग्जांपल अगर डिस्कस किया जाए तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल लिखो फटाफट। एग्जांपल क्या है, एल्गी यहीं पे हो गया था, एल्गी यहां पे आ गए थे। दूसरा क्या होता है, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, इसके बाद टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब होते हैं, ठीक है ना। ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, हेट्रोगैमेटिक के। इन सब में जो गैमेट होता है, वो गैमेट क्या होता है, डिससिमिलर होता है। क्या होता है, डिससिमिलर होता है, वो सिमिलर नहीं होता, दोनों का स्ट्रक्चर सेम नहीं होगा, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर नहीं होते हैं। यहां पे एक और एग्जांपल लिख लीजिए, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग, इसमें भी अभी बताया ना आपको, स्पर्म ओवम दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट। अगर इसके केस में अगर आप देखो तो इनके केस में मेल गैमेट क्या होता है, स्पर्म होता है अभी बताया, और फीमेल गैमेट क्या होता है, ओवम होता है अभी बताया। तो जो स्पर्म है, इस स्पर्म का शेप कैसा होता है, देखो ये स्पर्म है, इस स्पर्म का शेप कुछ क्या है, नॉक थ्रेड लाइक है, और जो ओवम है ये कैसा है, स्फेरिकल है। तो इसका शेप कैसा है, नॉक थ्रेड लाइक है, ये क्या है, नॉक थ्रेड लाइक, और इसका शेप कैसा है, स्फेरिकल है। तो दोनों का शेप डिफरेंट है कि नहीं है, है ना। तो दोनों का शेप जब डिफरेंट है, मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर है, तो ये क्या हो जाएंगे, हेट्रोगैमेटिक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, हेट्रोगैमेटिक। एक एल्गी है, उसके केस में देखा जाए, फ्यूकस, फ्यूकस के केस में देखा जाए, तो फ्यूकस एक्चुअल में है क्या, ये एल्गी है, एल्गी है। इनके केस में अगर देखा जाए तो जो फीमेल गैमेट होता है, ये फीमेल गैमेट क्या होता है, लार्जर होता है। ये क्या है, इनका फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट क्या होता है, लार्जर। और जो मेल गैमेट होता है, ये मेल गैमेट क्या होता है, स्मॉलर होता है। ये जो आप लार्ज स्फेरिकल देख रहे हो, ये क्या है, दैट इज अ फीमेल गैमेट। ये कौन सा गैमेट है, फीमेल, और ये कौन सा गैमेट है, मेल गैमेट। देखो आप स्ट्रक्चर में दोनों डिफरेंट है कि नहीं, डिफरेंट है, दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, डिससिमिलर है। तो ये भी क्या हो जाएगा, हेट्रोगैमेटिक हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई होगी, होमोगैमेटिक क्या है, हेट्रोगैमेटिक क्या है, दोनों को फटाफट नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो। फिर हम अपन डिस्कस करते हैं सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस या गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे सेल डिवीजन कौन सा होगा और कैसे होगा, नोट डाउन करिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। आगे प्रोसीड करते हैं सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, गैमेटोजेनेसिस के टाइम पे, जब गैमेट बन रहा होता है, उस टाइम पे कौन सा सेल डिवीजन होता है, कैसे सेल डिवीजन होता है, और किस टाइप की सेल प्रोड्यूस होती है, हैप्लॉइड प्रोड्यूस होती है कि डिप्लॉइड प्रोड्यूस होती है, कब हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस होता है, कब डिप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस होता है। अगर डिप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको प्रोड्यूस करने वाली सेल किस टाइप की है, हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है, इन सारी चीजों को हम इसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे। बात समझ में आई। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या होती है, सबसे पहले चीज ये कि जो गैमेट्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो, द गैमेट्स आर यूनिवर्सली हैप्लॉइड, ठीक है। गैमेट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, बट लेकिन द सेल्स विच इन्वॉल्व इन द गैमेट फॉर्मेशन, वो सेल्स जो गैमेट को बनाने के लिए इन्वॉल्व होती है, दैट मे बी हैप्लॉइड, दैट मे बी डिप्लॉइड। बात समझ में आई। हमने कहा गैमेट तो यूनिवर्सल चीज है कि वो हैप्लॉइड होगी, लेकिन जो सेल उसको बना रही है वो हैप्लॉइड भी हो सकती है और डिप्लॉइड भी हो सकती है। बात समझ में आई। इस पॉइंट को मेंशन करते हैं कि द गैमेट्स आर, पहला पॉइंट लिख लीजिए कि द गैमेट्स आर, द गैमेट्स आर यूनिवर्सली,
हैप्लॉयड जो गैमेट होगा ये क्या होता है, यूनिवर्सली हैप्लॉयड होता है। क्या होता है? हैप्लॉयड होता है। यन हैप्लॉयड होने का मतलब क्या, इसका मीन लिखोगे तो क्या लिख सकते हो? इट मीन्स वनली, अभी बताया था, इट मीन्स वनली वन सेट ऑफ, वनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, वनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन द सेल। मतलब सेल के अंदर केवल क्या है, एक ही सेट क्रोमोसोम का प्रेजेंट है। वनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट, क्रोमोसोम का केवल एक ही सेट एग्जिस्ट कर रहा है। बात समझ में आई? इस चीज को स्टार बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। वनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। तो जो आपके गैमेट्स होते हैं ये यूनिवर्सली क्या होते हैं, हैप्लॉयड्स होते हैं। दूसरी चीज अगर हम बात करें कि हैप्लॉयड तो होते हैं, बट हमने क्या कहा, बट जो सेल्स इन्वॉल्व होती हैं दैट मे बी हैप्लॉयड दैट मे बी डिप्लॉयड। लिख लीजिएगा पॉइंट, बट द सेल्स विच इन्वॉल्व इन गैमेट फॉर्मेशन दैट मे बी हैप्लॉयड, दैट मे बी हैप्लॉयड और डिप्लॉयड, दैट मे बी हैप्लॉयड दैट मे बी डिप्लॉयड। ये क्या हो सकती है, हैप्लॉयड भी हो सकते हैं और डिप्लॉयड भी हो सकते हैं। तो वही हमने कहा, गैमेट तो यूनिवर्सली क्या है, गैमेट यूनिवर्सली हैप्लॉयड ही है, लेकिन जो सेल्स इन्वॉल्व हो रही हैं, बट द सेल्स विच इन्वॉल्व इन गैमेट फॉर्मेशन में जो सेल्स इन्वॉल्व हो रही हैं, दैट मे बी हैप्लॉयड दैट मे बी डिप्लॉयड। वो हैप्लॉयड भी हो सकते हैं, डिप्लॉयड भी हो सकते हैं। अब मान लो अगर हैप्लॉयड होगा तो क्या होगा और डिप्लॉयड होगा तो क्या होगा, इस चीज को यहां देखते हैं। मान लीजिए जो सेल इन्वॉल्व हो रही है, जो सेल इन्वॉल्व हो रही है, ये सेल मान लीजिए क्या है, इट मे बी हैप्लॉयड इट मे बी डिप्लॉयड। यही दो चीज तो हमने कही कि ये क्या हो सकती है, सेल हैप्लॉयड भी हो सकती है और डिप्लॉयड भी हो सकती है। तो कैसे होगी, इस चीज को समझिए। सबसे पहली चीज कि जो सेल है, हमने कहा दैट मे बी, यहां पे लिख लो, दैट मे बी हैप्लॉयड एंड दैट मे बी डिप्लॉयड। यही तो कहा दो चीज। अब हैप्लॉयड है मतलब क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, हाफ होगा, यन होगा, हैप्लॉयड है। और डिप्लॉयड है तो मतलब क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, 2n होगा। और हैप्लॉयड है तो क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, n होगा। अब इस चीज को थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा, बहुत इजी है। हैप्लॉयड है तो n होगा, डिप्लॉयड है तो 2n होगा। अब आप बताओ, अभी मैंने कहा गैमेट हमेशा क्या होना चाहिए, हमेशा यूनिवर्सली गैमेट क्या होता है, हैप्लॉयड होता है। तो इस हैप्लॉयड सेल से जो गैमेट फॉर्मिंग सेल है, इस हैप्लॉयड सेल से कैसी सेल प्रोड्यूस हुई, क्या प्रोड्यूस हुआ, गैमेट। और ये गैमेट कैसा है, जो गैमेट प्रोड्यूस हुआ ये गैमेट भी कैसा प्रोड्यूस हुआ, हैप्लॉयड प्रोड्यूस हुआ। गैमेट प्रोड्यूस कैसा हुआ, हैप्लॉयड प्रोड्यूस हुआ। और इस सेल से भी जो गैमेट प्रोड्यूस हो रहा है, गैमेट प्रोड्यूस हो रहा है, ये कैसा प्रोड्यूस हो रहा है, गैमेट हैप्लॉयड ही प्रोड्यूस हो रहा है। कैसा प्रोड्यूस हो रहा है, हैप्लॉयड। अब ये चीज कैसे पॉसिबल है, देखो ये हैप्लॉयड सेल और हैप्लॉयड गैमेट प्रोड्यूस कर रही है, तो नॉर्मल सी बात है, यहां पे जो सेल डिवीजन हो रहा होगा वो कैसा होगा, इक्वल या इक्वेशनल डिवीजन होगा। कैसा डिवीजन होगा, इक्वेशनल डिवीजन होगा। हैप्लॉयड क्या है, गैमेट फॉर, ये हैप्लॉयड क्या है, दैट इज गैमेट फॉर्मिंग सेल, लिख लीजिए इसको कहीं। ये हैप्लॉयड हम क्या बात कर रहे हैं, दैट इज गैमेट फॉर्मिंग सेल। ये हैप्लॉयड क्या है, दैट इज गैमेट फॉर्मिंग सेल है, जो सेल गैमेट बनाएगी, ये वही सेल है, गैमेट फॉर्मिंग सेल जो हैप्लॉयड है।
इसी से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हैप्लॉयड गैमेट प्रोड्यूस हो रहा है। तो ऐसा क्या हो रहा होगा? अब आप बताओ, यहां भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ है, यहां भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ है, मतलब दोनों जगह नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, सेम है। मतलब डिवीजन होने से पहले भी हैप्लॉयड, डिवीजन होने के बाद भी हैप्लॉयड। मतलब यहां पे कौन सा डिवीजन हुआ है, हियर द माइटोसिस इज अकर, यहां पे क्या हुआ है, माइटोसिस हुआ है, क्या हुआ है, माइटोसिस। और इसे हम क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन कहने का मतलब, माइटोसिस कहने का मतलब कि यहां पे जो डिवीजन हुआ, बात समझ में आ रहे हो, उस डिवीजन के होने के बाद क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, सेम होता है। माइटोसिस समझ रहे हो, इक्वेशनल डिवीजन क्यों कह रहा हूं, माइटोसिस वो एक ऐसा डिवीजन होता है जिसमें डिवीजन होने के बाद क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं वो सेम होते हैं। अगर डिवीजन होने से पहले भी एन है तो डिवीजन होने के बाद भी एन होंगे। तो यहां डिवीजन होने से पहले भी एन था, डिवीजन होके गैमेट बनने के बाद भी एन है। मतलब यहां पे फाइनल सी चीज है, कैसा डिवीजन हुआ है, माइटोसिस हुआ है, इक्वेशनल डिवीजन हुआ है। इक्वेशनल डिवीजन मतलब क्या, कि दोनों जगह क्रोमोसोम नंबर सेम होगा, कोई वेरिएशन नहीं आएगा। लेकिन डिप्लॉयड के केस में क्या है, यहां पे आप देखो 2n है, लेकिन यहां पर जाकर क्या हो गया, n हो गया। मतलब यहां पे क्रोमोसोम नंबर का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। तो इस रिडक्शन होने के लिए यहां पे कौन सा डिवीजन होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है, रिडक्शनल डिवीजन होता है। और वो रिडक्शनल डिवीजन क्या है, दैट इज मियोसिस। क्या है, मियोसिस। मियोसिस एक ऐसा डिवीजन होता है जहां पर डिवीजन होने के बाद क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। तो यहां पे डिवीजन होने से पहले कितने थे, 2n थे, डिवीजन होने के बाद क्या हो गए, n हो गए। तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हुए कि नहीं हुए, क्रोमोसोम का रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, तो डिवीजन कैसा हो जाएगा, रिडक्शनल डिवीजन हो जाएगा। बात समझ में आई। और यहां पे जो गैमेट फॉर्मिंग सेल है, ये क्या किससे प्रोड्यूस कर रही है, मियोसिस से गैमेट प्रोड्यूस कर रही है। बात समझ में आ रहा है, यहां पे जो गैमेट फॉर्मिंग सेल जो गैमेट प्रोड्यूस कर रही है वो किस प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस कर रही है, मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस कर रही है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, हाईलाइट करके लिख लीजिएगा, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड मियोसाइट, मियोसाइट गैमेट मदर सेल। क्या कहते हैं, मियोसाइट गैमेट मदर सेल। बात समझ में आई, तो यहां पर इसे क्या कह देंगे, मियोसाइट गैमेट मदर सेल कहेंगे। बात समझ में आई, यहां तक कोई डाउट नहीं है ना, कि अगर सेल मियोसिस के थ्रू गैमेट बना रही है तो उस सेल को जो मियोसिस के थ्रू बना रही होगी उसे क्या कहते हैं, मियोसाइट गैमेट मदर सेल कहते हैं। मदर सेल इसलिए क्योंकि इसी से क्या कर रहा है, गैमेट प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए गैमेट मदर सेल कहते हैं। मियोसिस के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है इसलिए मियोसाइट कह रहे होते हैं। बात समझ में आई, इसको नोट डाउन किया आपने। दूसरी चीज, यहां पे अगर डाउट हो रहा हो तो एक बार साइड में आप देख लो कि माइटोसिस मियोसिस है क्या। दोनों टर्म आया, माइटोसिस टर्म भी आया और मियोसिस टर्म भी आया, इसको एक बार देख लो कि टर्म है क्या। देखिए यहां पर सबसे पहले हम क्या देखते हैं, माइटोसिस देखते हैं, समझ लो इसको, माइटोसिस को। एक माइटोसिस क्या होता है, ऐसा डिवीजन होता है, जैसे मान लो ये एक सेल है, तो अगर माइटोसिस हो रहा है तो ये सेल डिवाइड होकर, ये एक सेल डिवाइड होकर दो नई सेल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, दो नई सेल्स बनाएंगे, लेकिन दोनों में क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, सेम। यहां भी क्रोमोसोम नंबर क्या था, यन था, और यहां भी क्रोमोसोम नंबर क्या है, यन है। इसीलिए इस डिवीजन को हम क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, इक्वल होता है। क्या होता है, इक्वल होता है। लेकिन अगर ये तो समझ में आ गया, इसी तरह अगर हम मियोसिस को देखें, मान लो यहां पे मियोसिस देख रहे हैं,
तो मियोसिस के केस में क्या होता है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बस क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। मान लो यहां पे क्रोमोसोम नंबर n है, क्या है n, लेकिन नहीं, यहां पे क्रोमोसोम नंबर क्या है 2n है, क्या है 2n, ये डिप्लॉयड सेल है। तो डिवाइड होने के बाद जो दो नई सेल बनेंगी ये क्या होती है, हैप्लॉयड सेल होती है। कौन सी सेल होती है, हैप्लॉयड सेल होती है। क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। बात समझ में आ गई कि क्या आपका हैप्लॉयड गैमेट होता है और क्या डिप्लॉयड होता है, और कैसे हैप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड गैमेट बनेगा, कैसे डिप्लॉयड सेल से डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड गैमेट बनेगा। यहां तक बात समझ में आई, कुछ खास हमने डिस्कस नहीं किया। हमने कहा गैमेट जो होते हैं यूनिवर्सली हैप्लॉयड ही होते हैं, लेकिन उनको जो बनाने वाली सेल्स होती हैं वो डिप्लॉयड हैप्लॉयड दोनों हो सकती हैं। अगर वो हैप्लॉयड होगी तो उसके अंदर माइटोसिस होगा, अगर डिप्लॉयड होंगी तो उसके अंदर मियोसिस होगा, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएंगे। माइटोसिस मियोसिस क्या बताया, माइटोसिस वो जिसमें क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाए, हाफ हो जाए डिवीजन होने के बाद। मियोसिस वो जिसमें क्रोमोसोम नंबर माइटोसिस वो जिसमें डिवीजन होने के बाद भी क्रोमोसोम नंबर क्या हो, सेम हो, और मियोसिस वो जिसमें डिवीजन होने के बाद क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाए, हाफ हो जाए। बात समझ में आई, इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए अब आगे, ये स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आगे एग्जांपल्स देखते हैं। अगर हैप्लॉयड के लिए एग्जांपल्स देखा जाए तो क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं, देखो इसके केस में अगर एग्जांपल देखोगे तो एग्जांपल लिख लीजिए, फॉर एग्जांपल इनके केस में एग्जांपल क्या क्या होता है, देखो बहुत इजी है, कुछ खास एग्जांपल्स नहीं है। सबसे पहले तो मोनेरंस होते हैं, मोनेरा कैटेगरी के जितने होंगे सब। उसके बाद फंगीज होते हैं, ठीक है, फंगी कैटेगरी वाले। इसके बाद होते हैं ब्रायोफाइट्स या एल्गीज होते हैं, ठीक है, एल्गीज होते हैं। और इसके बाद आते हैं ब्रायोफाइट्स। इन सभी के केस में, चाहे वो मुनेरा हो, फंगी हो, एल्गी हो, ब्रायोफाइट्स हो, इन सभी के केस में जो आपकी गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल होगी, गैमेट फॉर्मिंग सेल होगी, वो भी हैप्लॉयड होगी, और जो गैमेट बनेगा वो भी हैप्लॉयड होगा। डिवीजन कैसा होगा, इक्वेशनल डिवीजन होगा। लेकिन अगर आप डिप्लॉयड को देखो, यहां पे इसके केस में अगर एग्जांपल देखें तो इसके केस में एग्जांपल क्या होगा, देखो इसके केस में एग्जांपल, अगर इसके केस में एग्जांपल लिखा जाए तो एग्जांपल क्या होगा, देखो इसके केस में एग्जांपल होगा ब्रायोफाइटा तक हो गया ना, टेरिडोफाइटा, ठीक है, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ये सब किस में आ जाते हैं, आपके डिप्लॉयड वाले केस में आ जाते हैं, ह्यूमन बीइंग भी इसी में आएंगे, ठीक है। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ह्यूमन बीइंग, ये सब किस में आ जाते हैं, हैप्लॉयड वाले में। मतलब यहां भी ये इन सभी के केस में ये जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, चाहे वो टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन सभी के केस में जो गैमेट फॉर्मिंग सेल होगी वो क्या होगी, डिप्लॉयड होगी, और जो गैमेट बनेगा वो क्या बनेगा, हैप्लॉयड। और डिवीजन कैसा होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा। कैसा डिवीजन होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा। बात समझ में आए, दोनों का एग्जांपल क्लियर हुआ, नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आगे प्रोसीड करते हैं। अभी हमने क्या डिस्कस किया कि जो गैमेट फॉर्मिंग सेल होती है दैट मे बी हैप्लॉयड, दैट मे बी डिप्लॉयड। तो ये सारी कंडीशंस किसके लिए है, डिप्लॉयड के लिए है। यहां पे आप देख रहे हो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, और ये क्या लिया गया है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम लिया गया है। किस कंडीशन में लिया गया, दैट इज नेसेसरी, किस कंडीशन में लिया गया है, डिप्लॉयड कंडीशन में लिया गया है। किस कंडीशन में लिया गया है, डिप्लॉयड कंडीशन में लिया गया है। डिप्लॉयड कंडीशन में लिया गया है मतलब यहां पे जो सेल्स होंगी उन्हें आप क्या कह रहे होगे, मियोसाइट कह रहे होगे। क्या कहोगे, मियोसाइट गैमेट फॉर्मिंग सेल कहोगे, क्या कहोगे, मियोसाइट गैमेट फॉर्मिंग सेल कह रहे होगे। अब देखो इसके केस में मियोसाइट गैमेट फॉर्मिंग सेल क्या प्रोड्यूस करेंगी, गैमेट प्रोड्यूस करेंगी। किससे प्रोड्यूस करेंगी, बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। मतलब अगर ये डिप्लॉयड है तो ये मियोसिस करके क्या हो जाएगा, हैप्लॉयड हो जाएगा, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। जैसे देखो यहां पे एग्जांपल्स, पहला क्या है, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम होते हैं, टोटल
46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन गैमेट में कितने होंगे? 23। यहां जाओ तो लिख लो ऊपर, ये क्या है? गैमेट है, ठीक है, ये गैमेट है, ठीक है। दूसरी चीज, हाउस फ्लाई में कितने, हाउस फ्लाई में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 12 क्रोमोसोम होते हैं। गैमेट में कितने होंगे? 6, हाफ हो गया। इसके बाद रैट में कितने है? 42। सेल में कितने है? रैट के अंदर क्रोमोसोम कितने है? 42। लेकिन गैमेट में कितना हो गया? 21, हाफ हो गया। इसके बाद देखो डॉग में कितना है? 78। डॉग में कितना है? 78 क्रोमोसोम है, लेकिन गैमेट में हाफ हो गया, 39। इसी तरह कैट में अगर देखा जाए तो कितने क्रोमोसोम है? 38, लेकिन गैमेट में हाफ हो गया, 19। इसी तरह बटरफ्लाई में, फ्रूट फ्लाई में देखा जाए तो कितने क्रोमोसोम है? 8, लेकिन गैमेट में कितना हो गया? 4। इसी तरह पी में देखा जाए तो कितने क्रोमोसोम्स है? 14, लेकिन गैमेट में कितना हो गया? 7। इसी तरह राइस में देखा जाए तो कितने क्रोमोसोम है? 24। गैमेट में देखा जाए तो हाफ हो गया, 12। मेज में कितना है? 20। अगर गैमेट में देखा जाए तो कितना हो गया? 10। एप्पल में देखा जाए कितना क्रोमोसोम है? तो 34। गैमेट में कितना हो गया? 17। पोटैटो में देखा जाए तो कितना क्रोमोसोम है? 48। गैमेट में देखा जाए तो कितना हो गया? 24। इसी तरह ओनियन में देखा जाए तो टोटल क्रोमोसोम कितने हैं? 16, लेकिन गैमेट में कितना हो गया? 8। इसी तरह बटरफ्लाई में देखा जाए तो कितना क्रोमोसोम है? 380 क्रोमोसोम है, गैमेट में कितना हो गया? 190। बात समझ में? ये सब याद करने की जरूरत नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट याद रखना, लेकिन बता दे रहा हूं कॉम्पिटिशन में कभी पूछ लिए जाते हैं किसका किसका याद रखोगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है आप याद रखना, किसका याद रखोगे? ह्यूमन बींग का इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। हाउस फ्लाई का इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद फ्रूट फ्लाई का इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। पी का इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। राइस का इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। मेज का इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। इन तीनों को आप, ये आपका मेज हो गया, राइस हो गया, पी हो गया, फ्रूट फ्लाई हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, ह्यूमन बींग, ठीक है। इसका आप जरूर याद रखोगे सबका क्रोमोसोम। बात समझ में आए? इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे एक फ्रेश और न्यू टॉपिक के साथ। कोशिश किया था कि इसी में गैमेट ट्रांसफर भी खत्म कर दूंगा, बहुत छोटा सा टॉपिक है, मैक्सिमम 10-15 मिनट का होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम गैमेट ट्रांसफर खत्म कर लेंगे, उसके बाद फर्टिलाइजेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। लास्ट लेक्चर में आई होप जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें चैप्टर क्लोज हो जाना है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे प्रोसीड करते रहिए। जो भी डाउट होगा उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, उसका रिप्लाई आपको कर दिया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक फ्रेश टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।